हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाते हैं चिली सोया ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा और बहुत जल्दी बन के तैयार होगा कोई सब्जी समझ में ना आए तो चिली सोया फटाफट बनाइए और खाइए एंजॉय करिए बहुत ही टेस्टी बनता है बिल्कुल चिली पनीर की तरह बनेगा और चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा तो हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए और दो सौ ग्राम छोटे वाले नगेट हमने ले लिया है तो ये देखिए बहुत छोटा छोटा है नगेट एक बड़ा साइज का भी नगेट आता है उससे भी आप बना सकते हैं तो हमने छोटा वाला लिया है और खोलते पानी में इसको डाल देंगे उबलने के लिए ये देखिए हमारा उबलने वाला है अब देखिए उबल गया है ये ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए तो चलिए इसको गैस को ऑफ़ करके छान लेते हैं तो देखिए हमने डलिया में छान लिया है चलिए अब इसकी सब्ज़ी की तैयारी करते हैं तो पत्ता गोभी हमने लिया है उसको कट कर लेंगे थोड़ा पत्ता गोभी डालेंगे और लंबे लंबे स्लाइस में इसको कट कर लेंगे इस तरीके से ये देखिए हमने कट कर लिया है पत्ता गोभी और सारी सब्जियों को हमने धुल के साफ़ कर लिया है फिर उसके बाद कट करना स्टार्ट किए हैं तो शिमला मिर्च भी ले लेते हैं और बड़े स्लाइस इसको भी काट लेते हैं बहुत छोटे छोटे नहीं काटना है और दो प्याज़ भी लेते हैं और इसको इस तरीके से छील के चौकोर टुकड़े में काट के इसका पर्द अलग अलग कर लेंगे जैसे मार्केट में दिखता है ना कि अलग अलग ये पर्द रहता है बड़े बड़े स्लाइस के प्याज तो ठीक उसी तरीके से इसका सारा अलग कर लेंगे पर्द और लहसुन की कलियाँ भी ले लेंगे इसमें लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी बना लेंगे मिक्सी के जार में हमने इसको पीस लिया है अब देखिए हमारा नगेट सारा ठंडा हो गया है अब इसको हाथों से दबा दबा के इसका पानी सारा निकाल लेंगे तो ये स्टेज पे हमारा एकदम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए हमने कान फ्लोर ले लिया है चार से पाँच चम्मच हमने डाला है देखते हैं अगर कम होगा तो और डालेंगे थोड़ा काली मिर्च लाल मिर्च का पाउडर काली मिर्च भी जरूर डालिएगा और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर और ये हमारा मसाला तैयार हुआ है जो अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट तो दो बड़े चम्मच हमारा हो गया था तो इसको मिला लेते हैं और इसमें पानी बिल्कुल ना डालिएगा पानी डालने से ये गीला हो जाएगा ये सूखा ही इसको मिला लेंगे आप चाहें तो थोड़ा मैदा भी डाल सकते हैं लेकिन हमने कॉर्नफ्लोर डाला है इससे क्रिस्पी बहुत अच्छा होता है तो चलिए इसको मिला के रख लेते हैं देखिए ये ठीक लग रहा है लेकिन थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालेंगे जिससे अच्छे से कोटिंग हो जाए तो देखिए दो बड़े चम्मच हमने फिर से डाल दिया है और इसको मिला लेते हैं अब कढ़ाई हमने रख दिया है गैस ऑन है मेरा और इसमें ऑयल डालते हैं इसको फ्राई करने के लिए चलिए इसको फ्राई भी कर लेते हैं खूब अच्छा गोल्डन होने तक तल लेंगे अच्छे से फुल फ्लेम होना चाहिए हमारा इस समय बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है दोस्तों इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा तो कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है दूसरा और इसमें डाल दिए हैं लहसुन की कुछ कलियां और हरी मिर्च और प्याज जो कि हमने उसका स्लाइस निकाल निकाल के रखा हुआ है और पत्ता गोभी तो इसको ज़्यादा हमें नहीं भूनना है बस एक मिनट के करीब इसको चला लेना है क्योंकि ज़्यादा पकाने पे वो क्रिस्पी नहीं होगा थोड़ा क्रंची क्रंची रहता है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है चिली सोया में तो सब शिमला मिर्च भी हमने डाल दिया है पत्ता गोभी शिमला मिर्च प्याज सब कुछ मेरा पड़ गया है अब डालते हैं दो टमाटर तो इसको भी हमने बड़े आकार का काटा है तो इसको भी मिला लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक फ्लेम हमारा हाई ही होना चाहिए बस एक मिनट पकाना है इसको और थोड़ा सा हमने चीनी डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है तो अच्छा लगता है पाँच से छ चम्मच ये सॉस भी डाल देते हैं वेनेगर बे, और वनेगर सोया सॉस भी डाल देते हैं हाफ हाफ टी स्पून और हमने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था पानी से हमने घोल दिया था उसको भी डाल दिए हैं और लाल मिर्च का पाउडर इससे कलर भी बहुत अच्छा प्यारा सा आ जाएगा और तीखा भी हमारा बनेगा बहुत ही चटपटा ये बना है दोस्तों इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा आपको बनाने का तरीका अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा तो ये देखिए हमारा कितना यमी सा बन के तैयार हुआ है चिली सोया चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं तो हमने थोड़ा सफ़ेद तिल भून के रखा था इसको भी गार्निश कर लेते हैं ये देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों